श्रीमंदिर आज उत्कंठा सहित भक्त मैंने आय मध्य जहाँ श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक सूचना देते 12:15 समय माननीय मुख्यमंत्री यथेष समय पूर्व आसिक श्रीमंदिर परिक्रमा मार्ग में उपस्थित रहिबे एवं परिक्रमा प्रकल्प मार्ग आज हम लोकार्पण उत्सव और ये लोकार्पण उत्सव में भक्तों मन में किभ रही उत्कंठा ता सीधा साल आम सहित पचारे बुझा सहित भक्त अच्छा आज्ञा कौटू आप आसते केमी मन में अच्छी आपचयटा कौन आम आसीचु फुलवाणी ना हूँ आम शिवराम साहू आम आसीचु श्रीक्षेत्र परिक्रमार लोकार्पण बोलिकी आम आसीचु अच्छा मन में कते उत्साह अच्छी ओ बहुत उत्साह जगन्नाथ को दर्शन करकरी आम भाव विहोर हो जाइ खाली आज लोकार्पण बोलिकी आम अपेक्षा रही जगन्नाथ नवीन पट्टनायक आसवे आम कल तीन दिन है आसिक अपेक्षा कर रही चु यो भव्य मंदिर ये जहाँ दृश्य ये जुगांतकारी ये जहाँ देखापे बोलिकी आज सरकार करदे ये ये जुग जुग रहा ये निश्चिंत पक्ष सबुठ महल मुख्यमंत्री प्रशंसार सो छुटुची एवं ये हूँ बास्तव दृश्य श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प मार्गर उद्घाटन हवा पूर्व जहाँ आमर रही बड़छता मठ बड़छता मठ को फूल से सज्जित कराई पुष्प लिखा जा जय जगन्नाथ एवं ताखे रही श्री चयनीय मठ अन्यतम मठ एवं से मठ में पुष्पसूज कर रही अंपटे रही आपणकर मठर पार्श्व जो सब रही यज्ञशाला यज्ञ चलती आज हूँ यज्ञर पूर्णाहुति सामान जहाँ सूचना मुताबक रही गोटे 30 बाजी समय गोटे 30 समय माननीय मुख्यमंत्री पूर्णाहुति देवे सहित उपस्थित रहेंगे गजपति महाराज दिव्य सिंहदेव और सहित माननीय अतिथि उपस्थित रहेंगे पूरी जिलापाल पूरी एसपी और अन्य पक्ष आईन श्रृंखला दृष्टि पूरी में उपस्थित रही डीजी आईजी आशीष सिंह रही ओडिशा डीजी पुलिस रही अरुण षडंगी रही चारिथाकिया सुरक्षा व्यवस्था करपटे ये परिक्रमा मार्गर व्यवस्था बहुत सुचारू रूपे कर पूरी जिला प्रशासन द्वारा होती जो पटचित्र लोकार्पण होती आसुवा भक्त पटचित्र गुड़ाक देखिकी मनरे कौटिना कौटि खुशी नहीं जाऊँ पटचित्र महाप्रभु जगन्नाथ भोग सहित जगन्नाथ नीलचक्र पतित पावन विभिन्न प्रकार वेश रही अंपक्ष आम सहित जड़े अच्छा आउ जे भक्त जोड़ीगले संकीर्तन एवं से संकीर्तन मंडल को जीवा एवं से संकीर्तन मंडल में केते खुशी अच्छा संकीर्तन करी आम पचार बुझा के मन में खुशी अच्छी बहुत आनंद अच्छे आज्ञा आनंद अच्छे संकीर्तन कर श्रीमंदिर सम्मुख में राधे राधे श्याम राधे श्याम निश्चिंत राधे श्याम जगन्नाथ पाखे कूड़ी सहित संकीर्तन चली अन्य पक्षर आम सहित जन भक्त अच्छा पचार बुझा सी परिक्रमा मार्गर दृश्य अनुभव कर संकीर्तन को देखते कि प्रकार अनुभव रही सर आज श्री जगन्नाथ श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प आम आसी पहुँचीचु आज बहुत भक्तों भिड़ समागम अच्छी आउ प्रशासन भी मुतयन अच्छा पुलिस प्रशासन भी मुतयन अच्छा शांति श्रृंखला आज ये परिक्रमाटा बहुत सुंदर रे चालू अच्छी आउ संकीर्तन मंडली भी तांकर वाद्य यंत्र रे से माने आज पूरी सरटा दुलुकी उठुची निश्चित पक्ष जो जय जगन्नाथ पुष्प देखाउथिले एवं से जय जगन्नाथ भक्त आसुथिबा भक्त मैंने फटो उठाऊँ कर निजे निजे फटो से मैंने सेयार करेंगे तांकु पचार बुझे आज्ञा कौन कहे आज्ञा पचार बुझा भक्त को कैसा लग रहा है श्रीमंदिर आए हैं पीछे में जय जगन्नाथ लिखा हुआ आप भी फोटो उठा रहे हैं कैसा है आपका हाँ, आपका नाम कहाँ आप कहाँ से हाँ मैं आसाम से हूँ मेरा नाम डॉक्टर हिमारानी बड़ा है और मैं यहाँ पे दोबारा इस टाइम सेकंड टाइम है मेरा और बहुत अच्छा लगा मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा श्री मंदिर का परिक्रमा मार्ग लोकार्पण किया जाएगा इनॉग्रेशन किया जाएगा कैसा मन में उत्साह हाँ बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर लेकिन यहाँ ये इस बात में मेरा ज़्यादा मालूम नहीं है एक्चुअली आप जो फर्स्ट टाइम आए थे मंदिर कैसा दिख रहा था अभी कैसा है आपका अनुभव कैसा है उस टाइम मैं जब आया था उस टाइम रेड सप्ताह है इसलिए ज़्यादा ये क्या बोला गैदरिंग था हाँ हाँ और सुंदर नहीं था लेकिन अभी बहुत सुंदर लगा है थैंक यू
निश्चिंत पक्ष वर्तमान श्रीमंदिर सौंदर्य एवं श्रीमंदिर आकर्षण भक्तों मन को कौटि ना कौटि खुशी देदेगी एवं अन्य पक्ष आम जी कहीपर आय पर जो सूचना आमको दौले मुख्य प्रशासक एवं तांको सूचना मुताबक 12:15 समय रे मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण मार्ग उद्घाटन करा जीवो अन्य पक्षे विदेशी पर्यटक आम सहित अच्छा सीधा साल आम तक पचारि बुझा से नहीं कौन पहुँचे It is beautiful, really beautiful. A privilege to be here. Such devotion to see. It's quite amazing. And people are so lovely, so friendly. It's been lovely. I'm from England. So when you came to Puri? I came to Puri about 2 days ago, 2-3 days ago. And I've chosen the right time. So beautiful. What was your experience? It's my second time to Puri, so I love Puri. I love the people. The people have been very kind. And I don't speak any Hindi, so they've been wonderful. No, language? Only English. Us English are terribly lazy. ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଆଜି ଶ୍ରୀ ସେତୁର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେହି ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ସେ ମାର୍ଗ ଦେଇକି ଆସିବେ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବର ଆଜି ଯଜ୍ଞ ତୃତୀୟ ଦିନର ଯଜ୍ଞ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ଗ୍ରହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ପ୍ରାୟ 12:15 ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ହେବ ଯେଉଁ ଫଳକ ତାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାପରେ ଯଜ୍ଞ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ସେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆହୁରି ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମନ୍ଦିରର ପରିକ୍ରମାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବେ ସବୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ତାପରେ ଗୋଟେ ସଭାଗୃହରେ ଗୋଟେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସେବାୟତ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପୁରୀବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତାପରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ କୋଟି ଦେବଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ବର୍ଷା ହେଇଛି ପୁରୀରେ ଭକ୍ତ ଆଜି ଭିଜିଛନ୍ତି ହଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଶୁଭ ସୂଚକ ଏବଂ ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ବର୍ଷା ଜଳବୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଧରାଯାଏ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଥାଆନ୍ତି ଦେବାଦେବୀମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଧରି ନେଇପାରିବା ଲୋକାର୍ପଣର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଆଜି 17 ଅପରାହ୍ନରୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 3:00 ଯେତେବେଳେ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ହେବ ତାପରେ ସେଇଟା ଖୋଲା କରିଦିଆଯିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲୋକ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗକୁ ତା ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଆଲୋକିତ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ଭିତରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳମାନେ ସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଟାକୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଏଇଟା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଇଏ କାଁ ସେ ଆଏ ଥେ ଆପକା ନାମ କ୍ୟା ମୁଁ ୟୁପି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସେ ଆୟା ହୁଁ ଅର୍ ମୁଁ ତ କାଫି ବାର ଆ ଚୁକା ହୁଁ ଲେକିନ୍ କଲ୍ ଜବ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ କା ମୈନେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖା ଅର୍ ଯୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कार्य जो बहुत वर्षों पहले हो जाना चाहिए था आज किया गया है लेकिन ये भक्तों के लिए बहुत लाभप्रद है और ये श्री जगन्नाथ भगवान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक अद्भुत प्रयास है मैं इसके लिए सरकार का और यहाँ के भक्तजनों का जिनका ये प्रयास रहा है कि श्री जगन्नाथ संस्कृति को देश विदेश में पूरे विश्व में लगातार बढ़ावा दिया जाए और उसका विकास किया जाए इसके लिए ये सरकार का ये कदम बहुत ही लाभप्रद होगा जय जगन्नाथ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ବଖାଣିଥିଲେ ପୁରୀରୁ ଶଙ୍କର ସରକାର ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍